और हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं रणवीर सिंह, रोहित शेट्टी, अजय देवगन, सारा अली खान और अक्षय कुमार की फिल्म सिम्बा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में इन द कंट्री ऑफ इंडिया। वेल फ्रेंड्स, संडे के दिन अगर कोई फिल्म जो कि सिम्बा जैसी फिल्म हो जहां पर उसका सैटरडे ऑलमोस्ट 23 to 24 करोड़ रुपीज होता है, अगर वो फिल्म 30 करोड़ कमाएगी, अगर मैं आपको ये बोलूंगा तो आप मेरे पे हंस के निकल जाओगे। लेकिन गाइज, द क्रेज इज यूनानिमस। ये फिल्म आस्ते आस्ते एक स्लो स्वीट पॉइजन की तरह है जो लोगों में चढ़ता जा रहा है। ये फिल्म लोगों को इतनी पसंद आ रही है, चाहे वो इसके सुपरहिट गाने ले लो या फिर इसका वुमेन सेंट्रिक थीम ले लो, या फिर वो सेकेंड हाफ हो जिसको रोहित शेट्टी ने इतना ब्यूटीफुली बनाया है, या फिर इसमें अजय देवगन और अक्षय कुमार का कैमियो अपीयरेंसेस ले लो, या फिर इस साल का सबसे धमाकेदार परफॉर्मेंस बाय रणवीर सिंह ले लो, ये फिल्म यूनैनिमसली हर एक आदमी को पसंद आ रही है। और जितने लोगों को ये फिल्म नहीं पसंद आ रही है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि गाइस डे 3 को संडे को सिम्बा हैज क्रिएटेड मैजिक एट द इंडियन बॉक्स ऑफिस। और इसका जो डे 3 है सैटरडे से ऑलमोस्ट 30 to 35% जंप लेते हुए 31.06 करोड़ कमाए हैं। यस फ्रेंड्स, दिस इज एन ऑफिशियल फिगर। और जितने लोगों को भी लग रहा था कि ये फिल्म 3 दिन की दिवाली है, वेल मेरा भाई, आज मंडे को धमाका ऑक्यूपेंसी है और आज भी ये फिल्म डबल फिगर्स में यानी के 14 से 16 करोड़ का बिजनेस करने का दमखम रखती है। और मुझे लगता है जब मैं ट्यूजडे कलेक्शंस आप लोगों को बताऊंगा तो ये फिल्म मात्र फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे और ट्यूजडे 5 दिनों में 100 करोड़ कर देगी, जो कि बड़ी बड़ी फिल्में नहीं कर पाई इस साल। तो गाइज, इंतजार रहेगा ट्यूजडे का, लेकिन जनवरी 1 को पता चलेगा इसका असली खेल क्या होगा। लेकिन तब तक ये 5 दिन में हिट एंड रन करके 100 करोड़ कमा लेगी। सो गाइस, डे 1 फ्राइडे 20.72 करोड़ रुपीस, डे 2 सैटरडे 23.33 करोड़ रुपीस एंड डे 3 संडे 31.06 करोड़ रुपए, यानी कि 31.06 करोड़। इसी के साथ सिम्बा का जो 3 दिनों का महा टोटल होता है वो है 75.11 करोड़। रीमेक है ये तो टेम्पर है, गुड। आप लोग नहीं गए इसीलिए पिक्चर ने इतना कमाया है, आप लोग जाते तो शायद पिक्चर इतना नहीं कमा पाती। ओके गाइस, तो 3 दिनों में 75.11 करोड़ रुपीस कमाया इसने। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको देता हूं वो है द मुंबई सर्किट टेरिटरी, उसके बारे में तो आज ट्रेड बात कर रहा है। मैंने आपको पहले दिन जब सिम्बा कलेक्शंस बताए थे तब मैंने आपको बता दिया था कि मुंबई के वजह से इसके कलेक्शंस जो है पहले दिन के वो 20 करोड़ के ऊपर तक जा चुके हैं एंड आज पूरा ट्रेड मुंबई मुंबई कर रहा है। यू गाइस, मुंबई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सर्किट एंड टेरिटरी। जब रिव्यूज देखते हो मुंबई से जो आते हैं, लोगों को लगता है कि एक ही थिएटर में क्यों जा रहे हो, वहां के रिव्यूज मैटर करते हैं मेरा भाई। मुंबई सर्किट बहुत ही मालदार पार्टी सर्किट है, वहां पे अगर पिक्चर चल गई तो आपके फिल्म के कलेक्शन में बहुत डिफरेंस नजर आता है। फ्राइडे को जस्ट लिसन टू द फिगर्स, फ्राइडे 7.77 करोड़ फ्रॉम मुंबई, ओके, सैटरडे 9.11 करोड़ फ्रॉम मुंबई एंड संडे जहां पर फिल्म ने 31 करोड़ कमाए हैं उसमें से 12 करोड़ 13 लाख हैज कम फ्रॉम मुंबई, यानी कि 75.11 करोड़ में से ऑलमोस्ट 29 करोड़ रुपीस हैज कम फ्रॉम द मुंबई सर्किट। जस्ट इमेजिन, अगर मुंबई में नहीं चलती तो इसका 3 दिन का टोटल 45 करोड़ होता था। दैट्स द पावर ऑफ मुंबई मेरी जान मेरा भाई। ओके गाइस, आई होप एपिसोड आपको पसंद आया हो। अगर हमें सिम्बा नहीं देखी है, टाइम पास करना है, मजा मस्ती करनी है, जाके गाने वाने एंजॉय करने जाइए, सिम्बा देखिए, लाइट हार्टेड फिल्म है। ओके, एपिसोड पसंद आए प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साल का आखिरी दिन है, एंजॉय कीजिए, खुशियां बांटिए। कल एक नया साल नई खुशियां लेकर आएगा, आशा करता हूं आप लोग सभी लोगों के लिए। सिम्बा अंसारी साइनिंग ऑफ, यू गो सी वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल बाइज।